विकास समाचार न्यूज चैनल के स्टूडियो में यादव जी का स्वागत है और पालघर में नगर परिषद का धन संग्राम शुरू हुआ है या इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में हम यादव जी से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो वार्ड नंबर 3 में खड़े हैं। लोगों का विकास करने के लिए, वहां का एरिया का विकास करने के लिए वो अपना उम्मीदवारी लड़ा रहे हैं। तो यादव जी, आप जो वार्ड नंबर 3 में खड़े हैं और अचानक आप एक अच्छे टीचर हैं, लेकिन आपको ये उम्मीदवारी लड़ने के लिए जो दिल में ख्याल आया है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? पटेल जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने विकास चैनल के माध्यम से लोगों तक मेरी बात पहुंचाने की एक मुहिम छेड़ी। मैं वहां पर 32-33 साल हो गए पैदा हुआ हूँ। मैंने ग्राम पंचायत से लेकर नगर परिषद तक सारे चुनाव देखे, नगर सेवकों को देखा है, किंतु जिस तरह का विकास वार्ड नंबर 3 पर होना चाहिए था, उस तरह का विकास मुझे नहीं नजर आया। एक शिक्षक होने के नाते उसी वार्ड के बच्चे मेरे पास आते हैं, पढ़ते हैं, मैं उनको बहुत सी चीजें सिखाता हूँ, पर जो चीज किताबों में वो देखते हैं, जो विकास जो बाकी शहरों का विकास वो देखते हैं, वो चीजें उन्हें वहां ग्राउंड लेवल पर नहीं नजर आती है। यही कारण था कि एक शिक्षक होने के बावजूद इस राजकारण में मुझे घुसना पड़ा। अच्छा, तो शिक्षक होने के बावजूद उस एरिया का विकास करने के लिए हमारे यादव जी को पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा है, राजकारण में उतरना पड़ा है। ये बहुत खेद की बात है। अभी हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि राजा जी, अभी अपने जो एरिया में जी जो विकास हुआ नहीं है, वो कौन कौन सा विकास होना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर हम देखें तो ज्यादा करके सड़क, सारी टूटी सड़कें, टूटे गटर, लोगों के पास घर नहीं है, आदिवासी जो वहां पे रह रहे हैं उनके पास उनके खुद के घर नहीं है। फॉरेस्ट के जमीन पर से भी उनको हकाला जा रहा है, जो कि कायदे में नहीं आना चाहिए। उन्हें एक बाकायदा एक घर देना चाहिए था, यहाँ तकलीफ उनको भी दी जा रही है, बाहरी लोगों के साथ तकलीफ है और यहाँ के जो खुद के हैं उनके साथ भी वही तकलीफ हो रही है। लोगों तक आज पानी नहीं पहुंच रहा है, बिजली तक नहीं पहुंची है। बीच में कुछ जगहों पर बिजली के पोल पर लाइट लगाई गई, किंतु उन लाइट्स को बाद में काट दिया गया, क्योंकि नगर परिषद और एमएससीबी के बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी, उनके कुछ टेक्निकल एरर्स थे। तो ये सारी जो मिस्टेक्स होती हैं, इसे हटाना, इस मकसद से मैं राजकारण में स्वयं कूदना चाहता हूँ। अच्छा, रजत जी, आप कोई पक्ष में थे क्या इससे पहले? जी, मैंने 2.5 महीने पहले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। मैंने उनसे मिला था, उनकी एक विचारधारा थी, कांग्रेस की एक अलग विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ मैं जुड़ा हुआ था। उस सोच के साथ जुड़ने के बाद मुझे लगा कि शायद वहां से अगर अपक्ष उनकी पार्टी से अगर वे लड़वाते भी हैं, तो मैं शायद वहां लड़ने के लिए तैयार था। उम्मीदवारी का फॉर्म भी मैंने उनके वहां दिया हुआ था, एक इच्छुक उम्मीदवार के हिसाब से। अच्छा, तो बाद में उनके गठबंधन हुए बाकी पार्टियों के साथ में, जो मुझे थोड़ा सा नहीं ठीक लगा और मैंने फिर अपना स्वयं एक डिसीजन लिया और अपक्ष उम्मीदवार के हिसाब से खड़ा हो गया। अच्छा, तो अपक्ष उम्मीदवार के हिसाब से आप खड़े हो गए, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जो आपके वार्ड में जो समाज रहता है जी, ये सब में ज्यादा कौन से जात का समाज, कौन सा समाज है? माफ कीजिएगा पटेल जी, सबसे पहले तो ये मैं आपसे माफी चाहूंगा कि इस तरह से जातिवाद की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं इन चीजों को नहीं देखता हूँ। अच्छा। ना मैं जातिवाद की बात करता हूँ, ना मैं प्रांतवाद की बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे लिए सभी जाति सभी प्रांत के लोग एक हैं। अच्छा। मेरे लिए वो सारे लोग इंसान हैं। अच्छा। और मैं उनको सिर्फ इंसान की नजर से देखता हूँ, इसलिए मैंने इन चीजों को कभी नहीं भापा। अच्छा, आदिवासी समाज भी वहाँ पे है जी? है, आज आदिवासी समाज है वहाँ पे, आदिवासी को सुविधा नहीं मिल रही है जी, तो वहाँ पे कुछ कुपोषित का वगैरह मुद्दा है क्या? जी है ना, कुपोषित का मुद्दा। हाँ। आज पालघर जिला जो कुपोषण हम बोल रहे हैं। अच्छा। पालघर जिला का कुपोषण आप वहीं पे देखिए आकर, सबसे ज्यादा आप स्वयं पहुंचिए और देखिए कि कुपोषित राज्य नहीं, कुपोषित गांव वो 3 नंबर वार्ड है। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे मेरे घर से निकलते या बाहर अगर आएंगे, आप अगर गए होंगे या फिर आप आइए, वहां पे देखेंगे कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे कुपोषण की वजह से मरे हैं। अच्छा। ये चीजें आप देखेंगे वहां पर।
नहीं, नगर परिषद होने के बावजूद जी, भी जी वहाँ पे कुपोषित का प्रमाण है जी, आपका बोलना है। और 14 साल मेरा ऐसा रहेगा आपसे कि आपको लोगों ने इस इलेक्शन में चुन के दिया जी, तो आप सबसे पहला कौन सा काम करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे? एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहला काम मेरा शिक्षा को लेकर रहेगा। अच्छा, वहाँ पर जो मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं सरकारी, उसे आधुनिक करना, यह मेरा पहला काम, ताकि उन बच्चों को देश दुनिया की चीजें लाइव नजर आए और वो देख सके। दूसरा हेल्थ का इशू है, लोगों की वहाँ पर हालत खराब है। अच्छा, जो आप जैसे अभी बताया कि कुपोषित राज्य है, कुपोषित वार्ड है वो, तो उनके कुपोषण से उन्हें मिटाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से या जिनसे भी जो भी मदद मिलेगी उन मदद को लाकर उन लोगों तक पहुंचाना, यह मेरा दूसरा मकसद होगा। अच्छा, सड़क, गटर, लाइट, ये तीसरे मकसद है। अच्छा, पानी, लोगों के घर तक नगर परिषद का पीने का पानी पहुंचे, ये मेरा चौथा मकसद होगा। अच्छा, तो आप इस सब चुन के आने के बाद पहला ये कामों को प्राधान्य देंगे। मैं अभी आपको पूछना चाहूंगा, आपके प्रतिस्पर्धा जो आपके विरोध में जो खड़े हैं कौन से पक्ष के लोग हैं? विरोध का मुझे नहीं पता सर, क्योंकि मैं खुद उतरा हूँ। अच्छा, विरोध में मेरे कौन है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक उम्मीदवार के हिसाब से खड़ा हूँ, मेरा मकसद है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। और भी उम्मीदवार होंगे ना वहाँ पे खड़े? जी हैं, वहाँ पे काफी उम्मीदवार खड़े हैं। लेकिन वो जुने हैं कि नए? उसमें जुने भी हैं, नए भी हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में गए हुए लोग हैं, उस पार्टी से इस पार्टी में गए हुए लोग हैं। अच्छा, तो जुने लोग जो थे वहाँ पे चुन के दिया था उनको लोगों ने इससे पहला, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ काम नहीं किया है? अगर किया होता तो उनकी पार्टी उनको टिकट देती थी। अच्छा, इसलिए काम नहीं किया है, वो भी अपक्ष में खड़े हैं? अपक्ष में खड़े हैं जी। अच्छा, तो जुने लोग भी वहाँ पे थे, उन्होंने काम नहीं किया है कई सालों से, वो उधर ऐसा ही मुझे विकास कुछ भी नहीं हुआ है, और इसके लिए आप वहाँ का विकास करने चाहते हैं, आपका मेन मकसद है विकास जी, क्या उस एरिया का विकास हो, लोगों को सुविधा मिले जी, इसलिए आप उस जगह पे खड़े हैं, और लोगों ने आपको खड़े रहने के लिए आग्रह किया होगा शायद जी, कि वो आप खड़े रहो, आप जैसा आदमी यहाँ पे मांगता है, तो उस बारे में कुछ बोलेंगे जी? मुझे आग्रह किया सबसे पहले तो मेरे क्लास के बच्चों ने। अच्छा, उन बच्चों के साथ जब मैं ये चीजें बोलता हूँ, विकास की बातें करता हूँ, उनके सिविक्स के बारे में बात करता हूँ, तो मुझसे हर बार एक ही चीज कहते हैं कि सर आप क्यों नहीं खड़ा हो जाते? अच्छा, तब ये चीज मेरे दिल पे लगती है। मेरा 6 साल का बच्चा मुझसे पूछता है गाड़ी चलाते समय कि पापा ये रोड इतना टूटा फूटा क्यों है? मैं उसे समझाता हूँ कि ये काम नगर सेवक का है, सब चीज समझाता हूँ, और अंत में मुझसे सवाल करता है कि आप नगर सेवक क्यों नहीं बनते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनका बच्चा है, इनका बच्चा है छोटा 6 साल का, वो भी पूछता है उनको क्या पप्पा रास्ते कैसे है, ये रास्ते बनाते क्यों नहीं? तो ये पप्पा बोले कि नगर सेवक का काम है, लेकिन आप क्यों नगर सेवक बनते हैं? यानी छोटे बच्चों से लेके तो बड़ों तक उन्होंने सबने आग्रह किया है उनको खड़ा रहने की, और वो इस मोड़ पे अभी खड़े हैं। सर एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा, आपको जो मेनबत्ती मिली है निशानी जी, मेनबत्ती यानी उजाला करती है जी, तो आपको निशानी बहुत अच्छी मिली है, तो इस मेनबत्ती से आप उस एरिया में उजाला करने वाले हो जी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सुंदर मुझे ये निशानी मिली है मेनबत्ती, मेरा काम ही है यही, एक गुरु जो अंधेरे से लोगों को उजाले की तरफ लाता है, उसी तरह यह मेनबत्ती लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लाएगी, यह मेरी निशानी, बहुत सुंदर निशानी मिली। वैसे मैंने नारियल चुना हुआ था, वो बाद में पर कॉम्पिटिशन में चला गया दूसरे को, बट बहुत अच्छा मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनको एक मेनबत्ती निशानी भी मिली है अंधेरे से उजाला करने के लिए, और वो 3 नंबर वार्ड का इस मेनबत्ती के जरिए से उजाला करने वाले हैं। आज उन्होंने हमें इधर मुलाकात दी रामदयाल यादव ने, हम उनको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर।